सत श्रीकाल जी। जिस पंजाबी दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेख रहे हो तुसी, मुख्यमंत्री भगवंत मान फुल्लू संबोधित किया गया है, ते की कुछ किया गया है, आओ सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला सारे प्यार भरी सत श्रीकाल। अज पंजाब दी इंडस्ट्री लई, पंजाब दे सब तो वड्डे करदाता टैक्सपेयर ले हजारां लखां चुल्हियां दे विच अग बालन वाले रोजगार देने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट एमएसएमई तो लैके होर बाकी इंडस्ट्रीज दे जिन्ने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए हो सारयां दा इत्थे चलण ते इत्थे आउण ते कल्ले कल्ला चल्या होया कदम साडे सिर मत्थे साडे देश दे बहुत वड्डे अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट वाइस चेयरमैन नीति आयोग सुमन बेरी जी उन्हां दे कुलीग उन्हां दीआं सज्जियां खब्बियां बाहां डॉक्टर रमेश डॉक्टर सुजीत और खुशखबरी और किस्मत संजोग के तीनों ही पंजाबी ने और जिस तरह की शुद्ध पंजाबी डॉक्टर रमेश चांद जी ने बोली है शायद कुछ लफ्ज़ तां साढ़े लिए भी नवे सी क्योंकि असी भी सैमीनार कहन लग गए उन्होंने गोष्ठी कहा सो गोष्ठी लफ्ज़ जिहड़ा है ये बहुत देर बाद सुनिया क्योंकि असी सैमीनार जां वर्कशॉप कहने ने नाल मिक्स हो गई साड़ी पंजाबी ने अंग्रेजी। सो उन्होंने मैनू खुशी इस गल की कि उन्होंने जो पॉइंटर्स लिखे वो भी पंजाबी च लिखे हुए हैं उन्होंने जिहड़े अपने नोट बनाए हैं। सो बड़ी खुशी की गल है कि पंजाबी बहुत वड्डियां वड्डियां पदवियां ते बैठे ने और उस तो भी ज़्यादा खुशी की गल है कि वो अपने पंजाब लई कुछ करना चाहते हैं भावें वह विदेशों बैठे ने भावें वह देश के बड़े बड़े अहुदियां ते बैठे ने वो अपनी मातृभूमि लई अपनी मां बोली लई अपने पंजाब लई कुछ करना चाहते हैं और साडे लई सब तो वधिया मौका है कि राजनीतिक लैवल तो जां किसी अपने निजी स्वार्थां तो उपर उठ के आपां नूं पंजाब दे वास्ते इहदा फायदा लेना चाहिए कि असी एक पंजाब जिहड़ा वो हमेशा लीडर रहा हर लहर दे विच लीडर रहा चाहे वह आज़ादी की लड़ाई होवे चाहे वह हरा इनकलाब ग्रीन रेवोल्यूशन होवे चाहे जिहड़ी भी पंजाब की ड्यूटी लगे देश वास्ते पंजाब हमेशा निभाउंदा है ते पंजाब जिहड़ा वो फस्ट डिफेंस भी है पंजाब देश की क्योंकि 532 किलोमीटर साडा बॉर्डर कल्ले पाकिस्तान नाल है ते साडे पठानकोट तो लैके फाजिलका तक असी BSF दे नाल भी सानू काम करना पै रहा साडी पुलिस नू उधरों अक्सर आपां सुणदे हां कि ड्रोन आउंदे आ ड्रग्स आउंदे आ फलां तमका सो सानू वह चैलेंज भी फेस करना पै रहा। सो पर असी क्योंकि पूरी दुनिया च पंजाबी वसदे आ ग्लोबल सिटीजन आपां असी और सक्सैसफुल पंजाबी वसदे आ पूरी दुनिया च जिथे 20-20 घंटे शिफ्टां लाइया काम करन दीआं अज्ज उत्थे वो 200-300 बंदियां नू काम दे रहे ने और खुद भी आना चाहते इतने अपनी कोई मैं हर रोज़ फोन आते हैं साड़ी पिंड पैली है जी उत्थे हस्पताल बना लो स्कूल बना लो स्टेडियम बना लो असी पंजाब वास्ते कुछ करना चाहते। सो ये जिहड़ी साड़ी भावना है जो सानू गुरुआं पीरां फकीरां तो सानू मिली है कि अपने लिए तो हर कुछ आता है दूसरों लिए कुछ करना बहुत वड्डी गल है वो पंजाबियों के हिस्से आया। मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे ने जिन्हों मैं अक्सर मिलता रहना इंडस्ट्री के मेरे मित्र ने सारे और बेरी साहब हमारी मीटिंग इंडस्ट्री की मीटिंग होती रहती है सबसे बड़ी बात है 90% मीटिंग हमारी तब हुई है जब कोई इलेक्शन नहीं थी। आमतौर पे
पॉलिटिशियन जो है वो तभी मिलते हैं जब इलेक्शन आसपास हो, लेकिन हम बिना इलेक्शन के भी मिलते रहते हैं। और सुझाव इंडस्ट्रियल पॉलिसी वास्ते हर एक क्लस्टर, हर एक सेक्टर का असी क्लस्टर बना लिया, 26 क्लस्टर असी आइडेंटिफाई किए, चमड़ा है उसदे च, टैक्सटाइल है, स्पोर्ट्स है, अलग अलग असी इंडस्ट्रियल कमीशन बना देंगे, वही मैंबर तुसी चुनोगे ताकि सारे नू मिल दी बजाए जे किसी एक सैक्टर की प्रॉब्लम है वो अपने को आ गए। मेरे तो पहला सारा कुछ दसता, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि MSME दे विच असी नंबर वन हाँ। राज्यसभा दे विच एक सवाल पूछा गया सी, उहदे जवाब दे विच मिनिस्टर साहब ने भी कहा सी सब तो वध रजिस्ट्रेशन जिहड़ियां ने ओह MSME दीआं पंजाब च होईआं ने। MSME साडा बेस है, नी है साडी नी, जदों असी कोई घर पाउणा है जां कोई इमारत बनाउणी है, जदों इट्टां दे भट्ठे वाले कोल जाने तां सब तो पहले उहनूं इह कहिंदे आ कि 1 रुपया 2 रुपया भावें महंगी ला ली इट, पर दोम सोम ना दें, मतलब क्वालिटी तो नीचे ना दें, क्योंकि यह नींद विच पौनी है। सो नींव वाली इट जिनी मजबूत होगी बिल्डिंग उन्नी ज़्यादा मजबूत होगी। MSME साड़ी नहीं है, सानू फॉरनर भी चाहिए, सानू पूरे देश चो इंडस्ट्रियलिस्ट इतने चाहिए, पर साडे जिहड़े ब्रांड एंबेसडर ने बैठे ने यही लेके आउणगे, उन्होंने मेरे नालों भी मेरे डिपार्टमेंट नालों भी ज़्यादा यकीन इन्हां दी रिकमेंडेशन ते करना है कि किवें माहौल है की सहूलत ने। जे ये कहणगे कि हाँ बहुत वधिया आओ असी भी इत्थे वधिया काम करदे हां, साडा भी तुहाडे काम सारे असी करा के देवांगे, जे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होणगे इह तां ओह एक मिनट नहीं लाउणगे इत्थे आ के अपना यूनिट सैट करन नूं, नाल सिस्टर कंपनीज आउणगियां। सो कणक ते गेहूं और चावल जिहड़ा है वो साडा सब तो वध साडा योगदान 180 लाख मीट्रिक टन इस बार असी चावल दे रहे हैं, और चावल क्योंकि साडी खुराक का हिस्सा नहीं, 99% असी चावल देश वास्ते ही पैदा करते, उहदे लई सानू कीमत भी अदा करनी पई कि साडा वाटर लैवल जिहड़ा बहुत लो चला गया। असी क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन वल या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वल आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी साडे कोले साइकल बैठे ने, साडे साइकल इंडस्ट्री दे मालक, साडे कोले ट्रैक्टर, साडे कोले कंबाइन, साडे कोले जिहड़े हैंडलूम टूल्स, सारा असी देश दे विच लीड करदे हां। ते असी हुण क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन वल भी जो देश नूं चाहिदा है, असी मैं पिछले दिन ही साडी लंबी मीटिंग साडी होई तां असी उन्हां नूं पुछिया कि जो तुहानूं चाहिदा असी उह उगा दांगे, पंजाब दी धरती बहुत फर्टाइल है, सानूं चावल ते गेहूं दे चक्कर चों कढो, असी सब्जियां उगा सकते हां, असी फ्रूट्स उगा सकते हां, असी जो वैल्यू एडेड साडे इत्थे तुसीं इंडस्ट्री लेके आओ। मैं एग्जाम्पल दे दिंदा, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो रशिया दे छोटे छोटे टुकड़े होए सी, ओह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ तो जिहड़ा अपनियां जिहड़ियां जरूरत दीआं चीज़ां मंगाउंदे आ, अर्जेंटीना तो, ब्राज़ील तो, कोलंबिया, जबकि जे अमृतसर तो भेजणियां होण तां 1.5 घंटे की फ्लाइट है, उत्थों 10-12 घंटे की फ्लाइट है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सस्ती पऊ, साडा एक ड्राई पोर्ट बन जूगा अमृतसर, बहुत सारी कारगो साडा मोहाली वाला कारगो चल जाए तो साढ़े कोल बहुत कुछ है। इस वक्त असी जो एक्सपोर्ट के मामले च नंबर वन साढ़े लिए USA है, अमेरिका 15% असी एक्सपोर्ट करते, लगभग $1.03 billion US dollars। सैकेंड नंबर पर UAE $500 million, दैन बंगलादेश $500 million, दैन साउदी अरब $0.39 billion,
दैन यूके 0.37 इनू बधाया जा सकता बहुत, हालांकि साढ़े को नेड़े तेड़े कोई पोर्ट है नहीं, पर ये एफर्ट्स असी जा मैं अज वाइस चेयरमैन साहब ने गल की है। रेलवे की जी ऑफर से मैं थोड़े ना तो बहुत बारी गल कर चुके हूँ कि जे स्टेट अपनी रेलवे सानू चार ट्रेना आप बाय करन वास्ते सानू मिल जाए, असी पंजाब ऑन व्हील्स करके असी सारे का हिस्सा पीपीपी मोड़ भावें कर सकते हैं। ट्रैक का सानू कहिंदे खर्चा नहीं देवे, सानू नियरेस्ट सर कांडला पैंदा इतों, तां असी चाहे वह मोंटी कार्लो के कपड़े ने, चाहे वह सोनालीका का ट्रैक्टर है, चाहे वह साइकिल ने, चाहे वह जो भी साढ़े प्रोडक्ट्स ने उन्हां नू असी अपनियां ट्रेनां राहीं भेजिए तो साढ़े लिए फिर यह कांडला जिहड़ा वो नेड़े हो जाए, नहीं तो हुण असी इन्ना ज़्यादा पोर्ट तक पहुँचाउण ते इन्ना खर्चा हो जाता कि जिहड़ा प्रॉफिट लैवल है वह बहुत थले आ जाता। जिस तरह बासमती, पंजाब की बासमती पूरी दुनिया सब तो बेस्ट मनी गई है, पिछले दिन $1100 उते एक चार्ज लाते सीगे एक्सपोर्ट के, तो मेरे को बासमती दे जिहड़े इंडस्ट्रिस्ट सीगे जिन्हां ने शैलर वाले बासमती वो आए, मैं माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने गल की कि साड़ी बासमती जाण नूं तैयार है, सब कुछ है साढ़े कोल, सानूं सिर्फ थोड़ा रेट घटा दो। उन्होंने $300 एक टन ते घट करता तो साड़ी जिहड़ी बासमती है वह एक्सपोर्ट हुई। बहुत सारिया असी फसलों पर जो पेस्टिसाइड्स है असी बैन कीतियां ने, जो सानू एक्सपोर्ट करन दे विच दिक्कत आउंदी सी, वो कहिंदे सी ये तुहाडी जिहड़ी पेस्टिसाइड है जे ये तुसी छिड़का करोगे असी तुहाडी फसल चाहे समुद्र च छिटनी पै जाए असी लैनी नहीं। सो वो असी इस तरह की क्वालिटी पैदा कर रहे हैं जो वर्ल्ड लैवल पर एक्सैप्टेबल हो। और नाल नाल सर जिस तरह कहा गया कि साडा इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल भी है तो दफ्तर भी है तो असी अब जाते भी रहने, साडे कोल इंडस्ट्रीज आते भी रहते हैं। तो एक असी मैं तुहानू ऑलरेडी दस्या इन्हां नू पता सारे कि असी जिहड़ा कलर कोडिंग स्टैंप पेपर्स की करके ताकि पैसा स्टक ना रहे इंडस्ट्रिस्ट का 15 to 20 दिन के उन्होंने CLU फायर पोल्यूशन फॉरैस दिया सारिया क्लीयरेंसिस मिल जाए तो वह अपना जोड़ा उद्योग है अपनी फैक्टरी है वह छेती शुरू कर सके ताकि वह पैसा स्टक ना रहे। ग्रीन स्टैंप पेपर वो असी जोड़ा इंट्रोड्यूस किया, हाउसिंग लिए असी रैड किया ताकि कोई इलीगल कलोनिया जा इस तरह का जोड़ा आप वो लोगों की सारी जिंदगी की कमाई एक प्लाट से ज घर लग जाती है, बाद पता लगता है तो इलीगल कलोनी है तो सरकार को फिरते रहेंगे आप भज जाते हो। सो उन्होंने रोकने लिए असी एक मतलब रैड कलर का जोड़ा स्टैंप पेपर है वो वास्ते, दैन जोड़ा नॉर्मल जमीन विकदिया ने खेती तो खेती करने वास्ते वो येलो है, वो बहुत वधिया उहदा रिस्पोंस आ रहा सर। 150 तो उपर साडे ग्रीन स्टैंप पेपर, ग्रीन स्टैंप पेपर जिहड़े ने ऑलरेडी असी उत्थे ही रजिस्ट्री करदे हां, असी साडा तहसीलदार उत्थे ही बैठा, कचहरियां जाण दी लोड़ नहीं। आम तौर पर तुसीं बहुत वारी सुणिया होणा इह लफ़ज़ हर एक स्टेट दे विच कहिंदे आ सिंगल विंडो सिस्टम कर दांगे, असी भी कहा सिंगल विंडो सिस्टम, पर मैनूं क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हाँ मैं पता है सिंगल विंडो तो होंगी है पर वो पिछे बहुत विंडो होंगे, फिर तो एंट्री सिंगल विंडो तो होंगी है पर अंदर विंडोज बहुत होंगे, वह असी एक नव एक रस्ता लभ्या सिंगल विंडो सिंगल पेन, उस विंडो तो उस पेन ना ही सारे दस्तखत हो, पेन पेन नहीं बदलना चाहिए, विंडो तो सिंगल हो जाती है पेन बहुत होंगे ने। सो वो पेन के चक्कर तो करा के लिया दस्तखत, वह तो करा के लिया दस्तखत, हरेक का पेन हरेक के पेन की स्याही की डिमांड अलग अलग है, कोई कहता मेरे महंगी स्याही पैंती है, कोई कहता नहीं से स्याही का रेट आ है, ये बहुत दिक्कत है। सो असी हूँ क्योंकि असी जानते हैं इस गल नूं, असी चाहते हैं कि साडी जिहड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पवे। डॉक्टर रमेश जी ने गल कही कि लेडीज़ की हिस्सेदारी चाहिए है,
सर असी एक स्कीम पहला संगरूर डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोजेक्ट किया हूँ असी इनू सारे पंजाब इंट्रोड्यूस कर लगे हैं पहल पहल दे विच की है पिंडां दे विच लेडीज़ नू असी एप्रीशिएट कर रहे हैं उन्होंने सरों की कच्चे तेल की कहानी चप्पलां साबणा होर छोटे छोटे प्रोडक्ट जिहड़े छोटे छोटे मशीन असी उत्थे दे रहे उन्हां नू जिवें सलाइस असी 20 मशीन एक पिंड दे विच दित्तियां पंचायत घर दे विच रखतियां सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाते पंजाब दे संगरूर जिले दे सारे सरकारी स्कूलों नू कहता कि थोड़े बच्चों दी जिहड़ी यूनिफॉर्म ने इत्थे सिलाउण वास्ते दिओ कंप्यूटर ते ना पा जांदा है मशीन घरें भी लेके जा सकती है वो लेडी वो वर्दी जिहड़ी है सिलके आ जाती है पैक होके असी उन्हां स्कूलों तो एक कामयाब रहा तरीका 100 लेडीज़ का ग्रुप सी 1.5 करोड़ की टर्नओवर सी फिर हौली हौली करके असी पूरे पंजाब लेके जा रहे हैं प्लस पंजाब पुलिस दियां वर्दियां भी हुण पिंडां दियां लेडीज़ सिओ रही हैं प्राइवेट स्कूलों ने भी साढ़े कोले आना शुरू करता कि साडियां वर्दियां भी इत्थों ही तुसीं बनाओ एक चाइना की एग्जाम्पल दे देना इस वक्त चाइना के पिंड च कोई भी लेडी वेली नहीं कोई बारबी डॉल बना रही है कोई किसी किस्म का होर प्रोडक्ट बना रही है पिंडां चों बहुत सारा जिहड़ा जिहड़े प्रोडक्ट्स ने वो बन के निकल रहे ने इसे करके करोना तो बाद पता लग्गिया सारी दुनिया नूं कि असीं चाइना ते किन्ने डिपेंडेंट आ फिर थोड़ा थोड़ा अपने आप वल देखण लगे कि आपां भी कुछ कर लिया करिए आपां भी कुछ बनाया करिए सो असी बिल्कुल सही गल है कि जिन्ना चिर तुसीं लेडीज़ नूं सैल्फ इंपलॉयड नहीं करते उन्ना चिर आपां तरक्की वास्ते नहीं सोच सकते साडा ये टीचा है कि जदों तक उहदा हसबेंड उहदा भरा चाहे खेतों चाहे मजदूरी करके चाहे कोई सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी करके जब तक घर आवे उदों तक उहदे घरें उहदी मां उहदी भैण वो घट्टो घट 2000-3000 रुपया पर डे घट्टो घट कमा के बैठिया हुण ते नहीं तां मतलब सिर्फ डिपेंडेंट रह जांदे इक्को कमाई ते ते कुछ कोई 19-21 हो जाए चाहे सेहत पक्खों चाहे कोई जिवें करोना आ गया सी जां कोई बेमौसमी बरसात हो जाती है सारा घर की कबीलदारी लीहों लै जाती है सो सर जर्मनी दी 4 कंपनियां साढ़े कोले आए ने क्लास है जिहड़ी मरिंडे दे नेड़े है वह कंबाइना बनाउंदी है उहदे नाल ही बिल्कुल क्लास दे नाल ही फ्रेडनबर्ग है जिहड़ी मर्सिडीज़ दे सेंसर बनाउंदी है बर्वियो है डॉक्टर मेचान जी का बड़ा योगदान है उस बर्वियो नूं इत्थे लेके आउण च लहरेगा कि नेड़े वह पराली तो बायोगैस बनाउंदे इंडियन आयल नाल उहनां दा एग्रीमेंट है ते नाल BMW जॉइंट वेंचर दे विच मंडी गोविंदगढ़ आ रहे ने ते सर असी चेकोस्लोवाकिया क्योंकि पहला जीटर ट्रैक्टर सी ये स्कॉडा उन्हां दी है बाटा उन्हां दी है सो चेकोस्लोवाकिया मेरे कोले एंबेसडर आए सी उन्हां दे वो बहुत इंट्रस्टड ने जो एग्रो इंडस्ट्री वल कि असी तुहाडे नाल एग्रीमेंट करना चाहुंदे आ जल्दी असी भारत सरकार की मंजूरी लैके असी उन्हों भी इत्थे लैके आवांगे बाकी एक साड़ी बहुत बड़ी समस्या यह है सर कि जदों साड़ी इंडस्ट्री बड़ा वधिया ग्रो कर रही सी तां नाल बदी है बदी नूं टैक्स हैवन बनाता तां साड़ी जिहड़ी इधरली इंडस्ट्री सी वह बदी वल नूं चली गई तो फिर जदों असी थोड़ा जिहा पैरां ते होण लगे हुण जम्मू बनाता हुण साडा धारीवाल गुरदासपुर बटाला पठानकोट हुशियारपुर गुरदासपुर उन्हां लई 50-60 किलोमीटर है वो उत्थे चले जांदे ने सो सानूं कृपा करके उन्हां दे बराबर दा स्टेटस जिहड़ा वो दित्ता जावे तां कि असीं तुहानूं फिर कमाल करके दिखावांगे क्योंकि पंजाबी पूरी दुनिया च कामयाब ने असीं तां उत्थे भी कामयाब हो जांदे जिहड़े मुल्क च गलती नाल भी पहुँच जांदे आ कि चलो कोई गल नहीं चल कहा था कोई होर मुल्क सी जेंट ने
पर जे इत्थे आ गए तो इत्थे ही कामयाब हो जाने, कोई गल नहीं। सो असी तो अपने मुल्क कामयाब होना साढ़े लिए कोई बहुता वड्डी गल नहीं, ब्लैस्ड धरती है और हार्डवर्किंग लोग ने। सो सानू जे किते बॉर्डर स्टेट होने के नाते ही सानू कुछ पैकेज देता जाए इस तरह का, असी यही मंगते कि सानू पैसों के पैकेज देता जाए, सानू ईज ऑफ बिजनेस इत्थे सानू हो जाए तो असी जो है देश के विच सब तो वड्डा योगदान असी अपने वालों पावां, क्योंकि साडा इंडस्ट्रियलिस्ट कल्ले देश च नहीं विदेशों भी बैठे है, NRI बहुत बैठे है जिहड़े कहिंदे असी पंजाब च काम करना चाहते हैं। सो अज इस मौके पर मैं इस गलों खुशकिस्मत हाँ कि यह इस वक्त जिहड़ा पीरियड है साडा साडा सोच वाला ते होमवर्क करन वाला पीरियड तो असी उपर चले गए, हुण तां इंप्लीमेंट वाला पीरियड आ गया साडा। तो कोई भी असी इंडस्ट्री दे जिहड़ा असी पॉलिसी है उहदा कोई भी क्लॉज इन्हां नूं बिना पुछे, इंडस्ट्री नूं बिना पुछे, क्योंकि जिथे समस्या उत्थे हल भी है, जे समस्या इन्हां नूं पता तां हल भी इन्हां नूं पता। बहुत सारियां असी मौके ते कीतियां होईयां, जिवें कोई प्लॉट दा सीगा कि उह 3 साल ही रख सकदे सी, असी 5 करता, किसी चीज़ का कोई सीगा कि पट्ठे वाले सिर्फ इन्ने एकड़ ही कर सकते सी, असी वधाता जिन्ना उन्होंने कहा, कोई बिजली नाल रिलेटड कोई छोटे मोटे कोई दिक्कतां, कोई थाना बनाउणा किसी इंडस्ट्रियल एरिए फोकल पॉइंट च। सो असी वो साडी स्टेट दीआं जिहड़ियां दिक्कतां ने वो असी ईजीली कर लैने सर, पर फैडरल गवर्नमेंट वल्लों खास तौर पर जो थिंक टैंक तुसी वाइस चेयरमैन साहब तुसी जिहड़ा डच सैल दे विच भी इकनोमिक्स दे तौर पर एक सलाहकार दे तौर पर तुसी काम किया, तुसी दुनिया दीआं वड्डीआं वड्डीआं यूनिवर्सिटियां लई काम किया और तुसी ग्लोबली इकनोमिक्स नूं पढ़ते हो जानते हो, तुहाडे टिप्स ते पिया सार कुछ तुहानूं लिखण दी लोड़ नहीं, कुछ एक्सपीरियंस इन्ना ज़्यादा तुहाडे कोले। सो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि साडे वल्लों कोई सरकार वल्लों डिपार्टमेंट वल्लों कोई कदे किस्म की दिक्कत नहीं आऊगी, पर जिस तरह तुसी अज मैनू मीटिंग तो पहला चाह पीण वेले कहा कि इस तरह दीआं मीटिंगां जिहड़ियां ने साडे नाल जदों मर्जी तुसी करो, दिल्ली आ जाओ, सानू बुला लो, और साडे लई बहुत हौसले वाली गल है कि असी करना चाहुंदे हां बहुत कुछ, सानू थोड़ा जिहा रस्ता मिल जाए तो असी उस रस्ते नूं चूज़ करके मंजिलां ते पहुँचना सानू आउंदा है, क्योंकि बेहिम्मते हुंदे ने ओ जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते हुंदे ने ओ जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उहनां दे नावां दी, जिहड़े घरों बना के तुरदे ने नक्शा अपने सफरां दा। तो असी नक्शे साडे कोले हैगे ने, मंजिलां दा सानूं नज़र आ रही ने, रास्ता सानू कितने थोड़ा जा सीधा मिल जाए तो वी कैन डू वंडर्स वंडर्स। और इस तो पहला भी जिहड़ी भी ड्यूटी लगी, हरे इनकलाब की ड्यूटी लगी, पूरी दुनिया के इस गल की चर्चा तुसी भी अज की है कि पूरी दुनिया चर्चा हुई कि एक छोटी जी स्टेट है तो उन्हें धरती चो सोना गाता, तो जे इंडस्ट्री वाले पासे सानू तुसी मौका दोगे तो असी उहदे विच भी देश नंबर वन बनूंगा, तो पहला पंजाब नूं नंबर वन बनाउणा पऊगा, क्योंकि जे आपां इधरले पास्यों वैसटर्न वर्ल्ड वाले पास्यों आईए तो सब तो पहला पंजाब ही आउंदा जी, ये रूट सीगा सिल्क रूट सीगा ये NH1 जिहड़ा दिल्ली लाहौर, वो ईरान अफगानिस्तान तक तो अगे ईरान तक साडा पहला ड्राई फ्रूट का साडे बजुर्गों का बड़े बड़े जिहड़े व्यापार चलता सी हुण तक हजे चलता रहा, जदों वाघा बार्डर के थ्रू ट्रक आउंदे सी उधरों इधरों जांदे सी ते 15 to 20 हज़ार कुली काम करदे सी उत्थे, पर हुण क्योंकि रिलेशन पोलिटिकल रिलेशन ठीक नहीं रहे तां फिर उहदा सानू नुकसान होया। इसे करके असीं कहिंदे आं कि सानू थोड़ा जिहा जदों देश नूं सहारा चाहीदा सी, देश की बांह फड़नी सी तां पंजाबियां ने पंजाब ने फड़ी, अज पंजाब नूं सहारा चाहीदा तां देश नूं साडी बांह फड़नी चाहीदी है। ते बाकी उह जिवें साडे पंजाबी च कहिंदे आ कि लांबा नहीं आउण दिंदे जी, तुहाडा सिर जिहड़ा नीवा नहीं होण दिंदे,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।